से देखते हैं तेजस्वी जी, हाँ, जिस तरह से गठबंधन को मैंडेट मिला है। नहीं देखिए, सबसे पहले तो जो शिबू सोरेन जी हैं, आदरणीय लालू जी और सोनिया जी, इनके मार्गदर्शन में चुनाव हुए, और हेमंत सोरेन जी, राहुल गांधी जी और हम लोगों ने हर जगह कैंपेन किया। लेकिन ये जनता की जीत है, और जो झारखंड की जनता जंगल जमीन को लेकर के जो मुद्दे थे उस पर ये चुनाव, महंगाई हो, आप देखेंगे झारखंड की ये स्थिति जो संतोषी थी वो बात करते करते जो है मर गई हो। अब हमको लगता है संतोषी की आत्मा को संतोष मिला। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखेगा, NRC जैसे मुद्दे रहे हैं, तो ये जो RSS का जो एजेंडा बार बार जो छुपा जा रहा था, पूंजीपतियों के काम हो रहा था, गरीबों का कोई काम नहीं हो, तो जनता ने देखा कि भाई 19 साल में से 16 साल हमने भाजपा को दिया, और यहाँ कहते हैं डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में, दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में, तो यहाँ 16 साल में जो व्यक्ति और पार्टी और सरकार अगर काम नहीं कर सकती तो आगे क्या करेगी। इसलिए देखिए, हेमंत सोरेन जी नौजवान हैं, और महागठबंधन जो 3 दलों का था, कांग्रेस, JMM और RJD, आपसी तालमेल बेहतरीन ढंग से था, और एक दूसरे के जो वोट्स थे वो सब लोगों ने ट्रांसफर कराने का काम, एक सीट मिला है मंत्रिमंडल का बात, भोक्ता जी को मंत्री बनाए की जन, इस पर देखा जाएगा, बात किया जाएगा। लेकिन देखिए, हम लोग 90,000 वोट ला करके 1,000-1,500 से हारे, और हम लोग अपने परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं। 90,000 वोट बहुत होता है। आपने ये भी कहा कि जैसे रघुवर गए हैं झारखंड में, वैसे आगामी दिनों में बिहार में ये हालत होगी। बिहार में तो तय है, वो तो तय है, वो तो भाजपा के लोग ही नहीं मान रहे हैं नीतीश जी। आ जाओ, ले लीजिए मदन जी, फूल माला ले लीजिए मदन जी, फूल माला ले ला, खा ले ले, हो गया, ठीक है, चलिए आ गए हैं ना, लगा लगा, हो गया, एक मिनट भैया, समय दीजिए।